हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, देखिए पिछली वीडियो में हम लोगों ने थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम थे उनके बारे में डिस्कस की, उसके बाद जो थॉर्नडाइक के गौड़ नियम थे उसके बारे में डिस्कस की, और थॉर्नडाइक का प्रयोग उन्होंने किस पे प्रयोग किया, तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया और प्रयोग किया एक बिल्ली पर, ठीक है ना। और एक ट्रिक पढ़ी थी, वो ट्रिक है थॉर्नडाइक की बिल्ली, छोटी सी भूल, पावलोव का कुत्ता, क्लासिकल कूल, स्किनर का चूहा, करे क्रिया प्रसूत, कोहलर के चिंपेंजी को आ गई सोच। तो आप इस तरीके से इस ट्रिक से चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया, तो बिल्ली पर। और कौन सा प्रयोग किया, तो देखिए भूल का सिद्धांत, भूल यानी देखिए प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। उसके बाद पावलोव का कुत्ता, क्लासिकल कूल यानी अनुकूलन का सिद्धांत, और पावलोव ने किस पे प्रयोग किया, तो कुत्ते पर। स्किनर का चूहा, करे क्रिया प्रसूत यानी स्किनर ने चूहे पे प्रयोग किया, और कोहलर के चिंपेंजी को आ गई सूझ यानी सूझ का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो कोहलर ने। और किस पे प्रयोग किया, तो चिंपेंजी यानी एक बंदर पर किया, यानी उन्होंने कई बंदरों पर इसका प्रयोग किया। तो ये चीज़ हो जाती है, यानी थॉर्नडाइक की बिल्ली, छोटी सी भूल, पावलोव का कुत्ता, क्लासिकल कूल, स्किनर का चूहा, करे क्रिया प्रसूत और कोहलर के चिंपेंजी को आ गई सूझ। इन सब चीज़ों को देखिए कंप्लीट किया, और आज हम लोग पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, या आप बोल लें पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, हम आज इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि देखिए 1904 ईस्वी में कब, तो 1904 ईस्वी में रूसी शरीर शास्त्री, ये कौन थे, तो ये शरीर शास्त्री थे, कौन, तो आईपी पावलोव ने, और यानी आईपी पावलोव, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और देखिए प्रतिचार से प्रभावित होती है, इनके अनुसार सीखने की क्रिया जो है वो प्रतिचार से प्रभावित होती है, और एक यानी इस सिद्धांत में एक प्रमुख उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक रूप से जो प्रतिचार होता है चुन लिया जाता है, और फिर क्या होता है, फिर मुख्य उद्दीपक के साथ एक नया उद्दीपक दिया जाता है, और कुछ समय के बाद मुख्य उद्दीपक को हटाकर नए उद्दीपक का प्रयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग देखिए डिटेल में जानेंगे, सरल भाषा में जानेंगे, क्योंकि देखिए किताबी भाषा ऐसा होता है कि समझ में नहीं आती है जल्दी, लेकिन जब आपको सरल भाषा में बताया जाता है तो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये प्रतिपादक जो, ये इसके प्रतिपादक कौन है, तो आईपी पावलोव हो जाते हैं। उसके बाद निवासी ये कहाँ के थे, तो रूस के थे। इन्होंने प्रयोग किस पे किया, तो कुत्ते पर, और इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला तो 1904 ईस्वी में। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखिए UCS यानी UCS क्या है, तो UCS है अनकंडीशनल स्टिमुलस यानी स्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद देखिए CS, तो कंडीशनल स्टिमुलस यानी अस्वाभाविक उद्दीपक, घंटी की आवाज़। उसके बाद UCR, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी स्वाभाविक अनुक्रिया। उसके बाद CR, तो कंडीशनल रिस्पॉन्स, अस्वाभाविक अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधित, ठीक है ना। अब देखिए पावलोव का प्रयोग, इन्होंने क्या किया, प्रारंभ में पावलोव ने पाया कि भूखे कुत्ते को भोजन दिखाने से उसके मुंह में लार का आ जाना स्वाभाविक क्रिया है। अब इसको देखिए समझ लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि पावलोव ने क्या किया। पावलोव ने देखिए आईपी पावलोव जो थे उन्होंने क्या किया, एक भूखे कुत्ते पर अपना प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुत्ते के गले में एक नली लगाई ताकि क्या हो कि मुंह में लार आते ही वो नीचे बर्तन में एकत्र। उन्होंने देखिए एक इस तरीके से
बनाया, उसमें इस तरीके से कुत्ते को बांध दिया और देखिए ऐसे ही मतलब बना रहे हैं। देखिए इस तरीके समझने के लिए इस तरीके से बना दिया और यहाँ पे एक बर्तन रख दिया। और जब भी जैसे कोई चीज़ कुत्ते कहते नहीं, जब घंटी बजी और उसको ये लगा कि हाँ ये हमारे लिए है और क्या हुआ, उसकी जो लार निकलने लगी, जब ये लार निकली तो इस प्लेट में गिर जाती थी, ठीक है ना। तो उसको इस तरीके से यहाँ पे बांध दिया था और फिर क्या हुआ था, एक नली लगा दी थी और जो नीचे बर्तन में उसकी लार इकट्ठा हो सके। और कुत्ते के सामने क्या होता था, जैसे ही भोजन रखा जाता था, यानी कुत्ते के सामने जैसे ही खाना रख दिया जाता था, घंटी की आवाज़ की जाती थी और खाना देखकर कुत्ते के मुंह में लार का आ जाना स्वाभाविक ही था। देखिए क्या था कि जब घंटी बजती थी और खाना रख दिया जाता था तो कुत्ते के मुंह में लार आ जाती थी। बार बार ऐसा करने पर पाया गया कि कुत्ते की लार घंटी और खाना आदि के समयता उत्पन्न हो चुकी है, यानी कि जब घंटी बजी उसको पता हो गया घंटी बजेगी फिर खाना मिलेगा, तो जैसे ही घंटी बजती उसके मुंह में लार आ जाती और बाद में खाना ना देकर सिर्फ घंटी ही बजाई गई। यानी क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया उन्होंने क्या किया, खाना नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, लेकिन उसको पता था कि जब घंटी बजती है तो मुझे खाना मिलता है, तो जैसे ही घंटी की उसने आवाज़ सुनी उसके मुँह में लार आ गई। तो क्या हुआ कि तो पाया गया कि कुत्ते ने स्वाभाविक रूप से लार गिराई और घंटी और लार के बीच में संबंध प्रतिक्रिया स्थापित हो गई, ठीक है ना। तो देखिए क्या हुआ कि बाद में पावलोव ने कई दिनों तक कुत्ते को घंटी बजाकर खाना दिया, वही चीज़ जो अभी हम लोग बता रहे हैं, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि घंटी बजाकर खाना दिया तो घंटी प्लस खाना, यानी घंटी बजी और खाना मिला, घंटी बजी और खाना मिला। तो यही प्रक्रिया कई दिनों तक उन्होंने किया, उसके बाद इसको दोहराते रहे और बाद में इन्होंने क्या किया कि सिर्फ घंटी बजाई और उसको उसके लार टपकने लगी। और पावलोव ने इसके बाद घंटी बजाई, खाना साथ में नहीं दिया और पावलोव ने देखा कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया लार टपका, यानी स्वाभाविक जो क्रिया थी लार टपकाने की वो कर रहा है, यानी लार टपक रही है, क्योंकि कुत्ते ने घंटी बजने से ये सीख लिया था कि उसे भोजन मिलेगा। घंटी के प्रति कुत्ते की इस क्रिया को पावलोव ने संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी है। अब देखिए किसकी क्रिया दी है, तो संबंध सहज क्रिया की संज्ञा दी है। उसके बाद देखते हैं, देखिए कुत्ते ने समान बालक और व्यक्ति भी संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखते हैं। अब इसमें क्या है, जैसे पके हुए आमों या मिठाई को देखकर बालकों के मुंह में पानी आ जाता है। देखिए ये चीज़ तो स्वाभाविक है, अगर कोई ऐसी चीज़ जैसे जिसको जो चीज़ पसंद होती है उसको देखकर उसका नाम सुनकर मुंह में लार आ जाती है। अब एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे उल्टी करना अनेक व्यक्तियों में सहज क्रिया है, क्योंकि देखिए उल्टी करना जैसे कि कोई लोग बस पे सफ़र करते हैं, फोर व्हीलर में सफ़र करते हैं या पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उन्हें उल्टियाँ होने लगती हैं। तो क्या है ये संबंध सहज क्रिया है। पहाड़ पर बस में यात्रा करते समय कुछ व्यक्ति उल्टी करने लगते हैं ताकि और उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही उल्टी होने लगती है। कुछ लोग दूसरे को देखकर उल्टी करने लगते हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ आप लोगों ने देखी होगी सफ़र करते हुए कि कुछ लोग जैसे ही बस में बैठते हैं या नाम सिर्फ सुन लेते हैं उनके उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी को उल्टी करते हुए देख रहे हैं, जैसे बस में उल्टी करते हुए देखते हैं तो उनकी उल्टी होने लगती है, या पहाड़ी क्षेत्र में कहीं घूमने गए तो वहां पे उनकी उल्टियां होने लगती हैं। ये क्या चीज़ है, तो ये स्वाभाविक है। और देखिए इसमें पावलोव ने इस प्रयोग को हमें निम्न तीन चरणों में, यानी हम तीन निम्न चरणों में समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो किन तीन चरणों में समझ सकते हैं इसको भी देख लेते हैं। अनुकूलन से पूर्व, यानी स्वाभाविक उद्दीपक, यानी स्वाभाविक उद्दीपक क्या है, तो स्वाभाविक उद्दीपक भोजन हो जाता है, और अनुबंधित उद्दीपक UCS यानी स्वाभाविक अनुक्रिया लार। अब ये क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया लार है, अनुबंधित अनुक्रिया UCR हो जाता है। उसके बाद सेकंड आपका हो जाता है अनुकूलन के दौरान, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक क्या थी, तो घंटी CR, जो आप घंटी थी यानी कि घंटी बजने से उसको खाना मिलता था, फिर एक टाइम ऐसा आया कि सिर्फ घंटी बजाएगी उसको खाना नहीं दिया गया,
लेकिन उसके मुंह में फिर भी लार आ गई। ये क्या है? ये स्वाभाविक उद्दीपक भोजन UCS है, यानी अनुबंधित उद्दीपक हो जाता है। उसके बाद देखिए स्वाभाविक अनुक्रिया लार UCR अनुबंधित अनुक्रिया। उसके बाद देखिए अनुकूलन के बाद अब क्या हुआ? अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी, अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी CR और अनुबंधित उद्दीपक। अब इसमें क्या हुआ? वही चीज की घंटी बजी और खाना उसको नहीं मिला, फिर भी उसके मुंह में लार आ गई। स्वाभाविक अनुक्रिया लार, CR अनुबंधित व अनुकूलित अनुक्रिया। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि स्वाभाविक उद्दीपक भोजन हो जाता है और स्वाभाविक प्रतिचार लार हो जाती है और अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी हो जाती है। अब पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, देखिए इस तरह के भी होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जैसे कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन या इनका जो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है इसके और भी कौन से नाम है, तो इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखते हैं सबसे पहले शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हो जाता है, सेकंड नंबर पर क्लासिकल का सिद्धांत अनुबंधन, उसके बाद अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत हो जाता है और संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत हो जाता है, फिफ्थ नंबर पर अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत हो जाता है और सिक्स नंबर पर अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं? ये पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम हो जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए पावलोव के सिद्धांत का शिक्षा में महत्व देख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि देखिए इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं क्योंकि शिक्षा से ही ये रिलेटेड है, तो शिक्षा में तो क्वेश्चन शिक्षा से रिलेटेड तो क्वेश्चन आने ही आने हैं ना। तो शिक्षा में महत्व तो इसमें फर्स्ट नंबर पर देख लेते हैं। जो ये सिद्धांत है वो बालकों को सीखने की स्वाभाविक विधि बताता है, ठीक है ना। फिर सेकंड नंबर पर आपका हो जाता है इस सिद्धांत का उपयोग करके बालकों के भय संबंधी रोगों का उपचार किया जाता है। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर हो जाता है इस सिद्धांत का समूह के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान होता है, और आपका देखिए और गणित शिक्षण में सहायक होता है। गणित शिक्षण में क्या है? क्योंकि ये बहुत ही सहायक होता है। उसके बाद आपका फोर नंबर पे हो जाता है अभिवृत्ति विकास में सहायक होता है। फिफ्थ नंबर पे आपका हो जाता है इस सिद्धांत की सहायता से, यानी इसकी मदद से, इस सिद्धांत की मदद से बालकों में अच्छे व्यवहार और उत्तम अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है क्रोम क्रो के अनुसार। उसके बाद आपका सिक्स नंबर पर हो जाता है ये सिद्धांत उन विषयों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं जिनमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे सुलेख। और अक्षर विन्यास क्रोम क्रो के अनुसार, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये हो जाते हैं जो शिक्षा में इनका महत्व हो जाता है। क्योंकि देखिए जब मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में क्या होता है, मैथ पढ़ने के लिए ये नहीं आपने एक बार पढ़ ली और उसके बाद रख दिया और आपको ये हो गया कि हमको मैथ आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें आपको जितनी मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी मैथ होती चली जाएगी। तो ये मैथ पे यानी गणित शिक्षण में ये सहायक है। तो इस तरह से ये आपके पावलोव के यानी शैक्षिक महत्व में, पावलोव का जो सिद्धांत है वो शैक्षिक महत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो फ्रेंड्स देखिए आज यहीं तक हम लोगों ने पावलोव का सिद्धांत यानी पावलोव के सिद्धांत को पढ़ा, उनके प्रयोगों को पढ़ा, यानी उनका प्रयोगों को नहीं उनके प्रयोग को पढ़ा और पावलोव के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व पढ़ा। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।